हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सुपर्ब एंड ऑसम। माय नेम इज विंदिता त्रिपाठी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अपनी जनरल मीटिंग सीरीज का एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, दैट इज प्रॉक्सी। अच्छा, अब इस प्रॉक्सी के प्रोविजन को जानने से पहले एक और छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने पेश होती है, ठीक है। अब कहानी में हो क्या रहा है कि ऑब्वियसली एक जनरल मीटिंग होगी, हम जनरल मीटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े तो ऑब्वियसली सारी कहानी जनरल मीटिंग से में ही रिवॉल्व करेंगी। तो एक जनरल मीटिंग हो रही है, ठीक है। ये जनरल मीटिंग एक कंपनी की हो रही है, एक्स लिमिटेड की जनरल मीटिंग हो रही है। इसके ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, मतलब ये सारे शेयर होल्डर्स बाकी हैं, ठीक है, और ये चेयरमैन है, ठीक है। ये चेयरमैन सर बैठे हैं, ये जनरल मीटिंग हो रही है। अब क्या हुआ कि अब एक शेयर होल्डर को और आना है, मतलब जनरल मीटिंग 9 बजे से शुरू होने वाली है, ठीक है, 9 AM से शुरू होने वाली है। अब बाकी लोग आ गए हैं, ये लोग 6 बजे आकर के बैठे हैं। ये एक शेयर होल्डर आ रहा है अपना, ये दूर से आ रहा है, ये बाय कार आ रहा है, ये कार चला रहा है, ठीक है। ये कार है, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये कार है, ये रोड बाय रोड आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, जैसे ये यहां तक पहुंच रहा था, ठीक है, बीच में ही इसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट, ठीक है, और ये बंदा हॉस्पिटल में लेट जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो ये शेयर होल्डर कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल है, इसका मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड ही कंपनी में कोई मीटिंग में कोई डिसीजन पास होना है, और यही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, इसके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, इसकी वोटिंग पे कोई डिसीजन पास होगा नहीं या नहीं पास होगा, इसकी वोटिंग पे डिपेंड करता है। तो अब ये तो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, तो क्या मीटिंग में ये आएगा ही नहीं? तो नहीं, ये अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को मीटिंग में भेज सकता है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। तो दिस पर्सन कैन सेंड हिज प्रॉक्सी टू अटेंड द एजीएम। प्रॉक्सी का मतलब होता है, जैसे स्कूल में नहीं, हम नहीं जाते तो हमारे दोस्त से कहते थे यार हमारे अटेंडेंस लगा देता ना, ठीक है। तो वैसे ही ये जो पर्सन हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, ये किसी दूसरे पर्सन को बोलेगा कि तुम मेरे बिहाफ पर पे जाकर के मीटिंग अटेंड करो, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी का सेक्शन नंबर 105 है, जो कि डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है, उसकी बात यहां पर करी जाएगी, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, तो एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु हैज एंटाइटल टू अटेंड द मीटिंग एंड एंटाइटल टू राइट टू वोट शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी मेंबर एज अ प्रॉक्सी, एनी पर्सन एज अ प्रॉक्सी, ठीक है। एनी पर्सन एज अ प्रॉक्सी, यहां पर मेंबर नहीं, प्रॉक्सी कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो कंपनी का मेंबर हो चाहे ना हो, ठीक है। तो हर वो मेंबर अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है तो बात हो रही है, हर वो मेंबर जिसके पास दो राइट्स हैं, दैट इज राइट टू अटेंड द मीटिंग है और राइट टू वोट है, उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है मीटिंग में, ठीक है। और अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, तो अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है, तभी मेंबर्स को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट होता है। नॉर्मली यूजली हर कंपनी ही प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट मेंबर को देती है, और वो प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, कहीं चाहे कंपनी का मेंबर हो चाहे कंपनी का मेंबर ना हो। अब बात आती है, कुछ कॉमन रूल्स होते हैं प्रॉक्सी अपॉइंट करने से पहले आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, वही बात है, प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, प्रॉक्सी मेंबर नहीं, मतलब जो प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर रहे हैं वो कंपनी का मेंबर नहीं भी हो तो भी चलेगा। प्रॉक्सी शैल नॉट बी काउंटेड इन द कोरम, ठीक है, कोरम में प्रॉक्सी काउंट नहीं किया जाता है, आप खुद आओगे तो ही काउंटिंग होगी, अगर आप खुद नहीं आ रहे हो तो प्रॉक्सी को कोरम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोरम क्या होती थी हमने जाना था ना लास्ट वीडियो में, अगर आपको पता नहीं है कि कोरम क्या होती है तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कोरम क्या होती है। क्रक्स में मैं आपको बता दूं, कोरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू स्टार्ट अ मीटिंग टू वैलिडली ट्रांजैक्ट द मीटिंग, ठीक है, कम से कम इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए तब मीटिंग शुरू होगी, उसे कहते हैं कोरम। तो कोरम जो होती है ना, 2 members पर्सनली प्रेजेंट, 5, 15, 30 members पर्सनली प्रेजेंट, उसमें प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, ठीक है, नॉट बी काउंटेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, राइट टू स्पीक एट द मीटिंग का मतलब है प्रॉक्सी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मेंबर के बिहाफ पे बोले कुछ भी, ठीक है, मतलब कुछ भी का मतलब मक्का मतलब है किसी डिसीजन मेकिंग में वो कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी का मेंबर असली मेंबर होता है, प्रॉक्सी तो उसके बिहाफ पे सिर्फ वोटिंग करने आता है, तो प्रॉक्सी सिर्फ वोट कर सकता है बट कुछ बोल नहीं सकता है किसी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो कंपनी का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब प्रॉक्सी शैल, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो फोर्थ पॉइंट है कि प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। अब प्रॉक्सी किसी और मैटर में किसी और तरीके से वोट नहीं कर सकता है, सिर्फ पोल वाली वोटिंग जो होती है उसी में प्रॉक्सी वोट कर सकता है। अब आप इसको सिर्फ पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लीजिए, जब हम लोग वोटिंग मींस पढ़ेंगे ना, कितने तरीके की वोटिंग होती है कंपनी में, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि पोल क्या होता है, ठीक है।
पोल में ही प्रॉक्सी वोट कर सकता है, किसी और तरीके की वोटिंग में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी लॉस्ट बाय द मेंबर्स एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग इन फॉर्म नंबर MGT 11। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की मीटिंग, अब देखो इस केस में ना अगर मीटिंग मान लो आज होने वाली है, तो अगर मैं आज के आज चाहूँ प्रॉक्सी अपॉइंट करना तो नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉक्सी अपॉइंट करने से पहले जो मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, इस मेंबर को अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो उसको कंपनी को कम से कम 48 घंटे पहले, मीटिंग से कम से कम 48 घंटे पहले बताना होगा कि मैं प्रॉक्सी अपॉइंट करने जा रहा हूं। एक प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को भिजवाना पड़ेगा कम से कम 48 घंटे पहले। तो यस, प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी लॉस्ट बाय द, लॉस्ट का मतलब है भिजवाना पड़ेगा मेंबर को एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, और उस प्रॉक्सी फॉर्म का वो होगा फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म नंबर MGT 11 में, ठीक है। जो कंपनी की एजीएम की नोटिस होती है उसमें क्लियरली ये लिखा होगा दैट मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट हैव द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। जितनी भी कंपनीज की आप मीटिंग उठा के देख लोगे ना, उसमें ये लाइन जरूर लिखी होती है दैट एवरी मेंबर जिसके पास राइट टू अटेंड द मीटिंग है एंड राइट टू वोट है शैल हैव द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ये दो आपके स्टेटमेंट्स लिखे ही होने चाहिए आपके नोटिस में, ठीक है, जरूरी है, कंपलसरी है। प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी अटैच विद द नोटिस ऑफ द एजीएम। अच्छा, ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर MGT 11, आप जितनी भी कंपनीज के नोटिस देखोगे ना, इन सब में आपको फॉर्म नंबर MGT 11 अटैच हुआ मिलेगा। मतलब कि मेंबर्स को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसी नोटिस से आप उठाओ, कट कॉपी पेस्ट करो और उसको कंपनी को 48 घंटे पहले भिजवा दो अगर आप प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हो तो। प्रॉक्सी फॉर्म कैन बी इंस्पेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। अगर मैं कंपनी की मेंबर हूं और मैं जानना चाहती हूं कि कितने मेंबर्स के बिहाफ पे प्रॉक्सीज आए थे, तो मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले और मीटिंग खत्म होने के 24 घंटे बाद तक मेरे पास राइट टू इंस्पेक्शन है कि मैं देख सकती हूँ कि कितने मेंबर्स के प्रॉक्सीज लगे हैं, ठीक है। तो 48 घंटे पहले वो मेंबर दे देगा और मैं दूसरी मेंबर हूं, मान लो मैं 24 घंटे पहले देख सकती हूँ, 24 घंटे बाद तक भी प्रॉक्सीज का इंस्पेक्शन कर सकती हूँ। अब एक बात बताओ, क्या मैं एक अकेली हूं, मैं मतलब मैं प्रॉक्सी बनने का काम करती हूँ, ठीक है, मेरा पेशा है प्रॉक्सी बनना, ठीक है, तो क्या मैं एक साथ कई सारे मेंबर्स की प्रॉक्सी बन सकती हूँ? तो नहीं, लॉ ने लिमिट लगाई है कि रुको रुको, एक बंदा रोबोट तो है नहीं, वो एक बार में एक ही मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो लॉ बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रॉक्सी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट फॉर इस मैक्सिमम 50%, दैट इज मैं मैक्सिमम 50% की प्रॉक्सी बन सकती हूँ, ठीक है, प्लस मैक्सिमम होल्डिंग जो 50 मेंबर्स की है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, दिस पर्सन में अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी एंड सच प्रॉक्सी शैल नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर पर्सन। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉक्सीअर हूं, मैं एक प्रॉक्सी बनने का काम करती हूँ, जो भी मेंबर मीटिंग में नहीं जा पाता है मैं उसकी प्रॉक्सी बन जाती हूँ, ठीक है, उसके बदले मैं कुछ फीस चार्ज करती हूँ अपनी और मैं प्रॉक्सी बन जाती हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऐसे मेंबर की प्रॉक्सी हूँ जिसके पास कंपनी के 20% पेड अप शेयर कैपिटल है। तो एक बात बताओ, अब इसमें 50 मेंबर्स की भी लिमिट है, तो क्या मैं उसकी भी प्रॉक्सी बन सकती हूँ और अभी 49 मेंबर्स की और प्रॉक्सी बन सकती हूँ? तो बिल्कुल नहीं। लॉ कहता है यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यानी कि दोनों ही कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है, दोनों में से अगर एक भी आपने ब्रेक कर दी तो आप दूसरे के प्रॉक्सी नहीं बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 मेंबर्स की प्रॉक्सी अलग से हूँ, ठीक है, अब मैं 51 की बनना चाहूंगी तो नहीं बन सकती हूँ, ठीक है। मान लो 50 मेंबर्स के पास बहुत कम कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, लेकिन फिर भी 50 तो हो गए ना, तो दोनों ही कंडीशन का कंप्लायंस हमें करना है। तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स की बन सकती हूँ एंड उन 50 मेंबर्स के पास 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। शैल नॉट होल्ड मैक्सिमम मोर देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या मैक्सिमम 10% पेड अप शेयर कैपिटल चलेगा। आप देखो, समझो, आप लोगों को यह समझ आएगा। दिस पर्सन में अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी, मान लो कोई ऐसा पर्सन है मेरे पास 10% से ज्यादा है, तो मैं एक पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती हूँ और वो पर्सन अब किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने लिमिट नंबर 2 को ब्रीच कर दिया है। This person may appoint a single person as a proxy and such proxy shall not act as a proxy for any other person, क्योंकि अब उसने this ये वाले provision को breach कर दिया है। तो I think आपको proxy का provision बहुत अच्छे से clear हुआ होगा। कोई भी doubt हो तो do let me know in the comment section और बेर एक्ट से एक plain reading आप लोग मार लेंगे, बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा आप लोगों का प्रॉक्सी का सेक्शन। तब तक के लिए do like, share and subscribe the video and hit the bell icon also, और आगे ऐसे बहुत interesting सी कहानियां और videos आपके आते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड टाटा बाय बाय।